अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुनाज यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान आलू और चिकन का कोरमा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए फटाफट किचन में चलते हैं और इस रेसिपी को बनाने का तरीका सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन और आलू से कोरमा। सबसे पहले हमने लिए प्याज हमने लिए 2 मीडियम साइज के, इसे हमने इसे काट लिए हैं, इसे हम ब्राउन करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए लहसुन अदरक, हमने 10 से 12 कलियां लहसुन की ली है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी पीस लेंगे बारीक। इसके बाद हमने कोरमा मसाला लिया है, हमने आपको घर के मसाले से बहुत दफ़ा बनाना सिखाया है, आज हम पैकेट वाले मसाले से बनाएंगे कि जल्दी बन जाए। इसके बाद हमने चिकन लिए, चिकन हमने 300 ग्राम लिए और आलू लिए, हमने आलू भी हमने 300 ग्राम लिए। देखिए हमने सरसों का तेल लिया है, 250 ग्राम, जिसे हमने गर्म कर लिया है। आपकी मर्जी हो तो आप घी में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम प्याज ब्राउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए प्याजों को हम लाइट ब्राउन करेंगे। फिर हमने लाइट ब्राउन कर लिए, अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हम बोनलेस चिकन में बना रहे हैं, आपकी मर्जी हो तो आप हड्डी वाले गोश्त में भी बना सकते हैं। हमने बोनलेस लिया है, हम इसको थोड़ा मुर्गी को फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें हमने लहसुन अदरक जो पीसा था ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी मिक्स कर देंगे इसके साथ। देखिए इसके साथ हमने मिक्स कर दिया, अब इसी के साथ इसमें हम आलू भी डाल देंगे। देखिए आलू हमने इस शेप के काटे, आपकी मर्जी हो तो आप छोटे भी कर सकते हैं या बड़े भी। आलू आपको ज़्यादा लग रहे होगी, आलू हमने इसलिए ज़्यादा डाले कि हमारे घर में शौक से खाते, आपकी मर्जी हो तो आप हटा भी सकते हैं इसमें आलू, बच्चों की वजह से हमने आलू डाले इसमें। और इसमें हम ये कोरमे का जो आपको मसाला दिखाया था ये मसाला भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको भून लेंगे। हमने 100 ग्राम दही लिए, जिसे हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसके बाद हमने जो कोरमा मसाला आपको बताया था उसमें से हमने 1 चम्मच कोरमा मसाला बचा लिया था, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी मिक्स कर देंगे। आधा हमने जो है उसके साथ भून लिया है मसाले के साथ और आधा जो है हम इसमें डाल देंगे। अब इसी में हमने जो प्याज आपको बताया था, देखिए ये भी हमने दानेदार पीस लिए। बहुत से लोग जो होते हैं वो मछली में पीस लेते हैं बिल्कुल बारीक पानी डाल के, लेकिन उससे कोरमा जो है वो ख़राब हो जाता है। अब इसको हावल दस्ते में पीसिएगा दानेदार, मैं कोरमे में मिला। देखिए कोरमे का जो मसाला है वो भुनी चुका है, अब इसमें हम ये दही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही डाल के और इसको हम और भूलेंगे, दही को पूरा दही इसमें डाल देंगे। देखिए हमने कोरमे के मसाले में नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, इसमें पैकेट में नमक होता है, अगर आपको कम लगे तो आप डालिएगा, लेकिन इसमें बिल्कुल सब चीज़ बैलेंस ही है, नमक वगैरह हमने कुछ भी नहीं डाला। अब इसको हम भून लेंगे। देखिए चिकन आलू का जो कोरमा है हमारा तैयार हो चुका है, बस इसका हम चूल्हा बंद कर रहे हैं और फिर आपको दिखाएंगे डिश आउट करके। देखिए आज हमने आपको चिकन आलू का कोरमा बनाना सिखाया, जो बहुत मज़े का बना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना। इससे पहले भी हम डिफरेंट किस्म के कोरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुके हैं और उसका मसाला भी शेयर कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर भी बासानी जाके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।